प्रोड्यूस कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर क्षेत्र के तत्वावधान में एक निजी लान में क्षेत्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी के केंद्रीय कार्यकारिणी ने एक निर्णय लिया है कि हर क्षेत्र में एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। उसी के तहत ये गोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें लोग परिवहन निगम की समस्याओं व कर्मचारियों के समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही परिवहन निगम की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए और डीजल की खपत को कैसे नियंत्रित किया जाए, जनता को सुविधा अधिक प्रदान कर सके, इस सभी बातों पर चर्चा की जा रही है। इस समय परिवहन निगम की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रूट का नेशनलाइजेशन है। यहाँ पर 60% से भी राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, जबकि अन्य प्रदेशों में 100% है। इसलिए हमारी मांग है कि प्रदेश की 25% पक्की सड़कें नेशनलाइज होनी चाहिए, जो कि यात्री कर की दरें हैं उसमें बहुत अंतर है। इन सभी चीजों में सुधार की हम सरकार से मांग करते हैं। इस अवसर पर परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार राय, अजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने कहा, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की केंद्रीय कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया गत दिनों कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में एक गोष्ठी का आयोजन किया जाए। उसी के अंतर्गत आज गोरखपुर क्षेत्र में ये गोष्ठी आयोजित की गई है और इसके जो विचारणीय विषय हैं मुख्य रूप से, एक तो परिवहन निगम की समस्याओं पर चर्चा की जानी है, साथ ही साथ इसके कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा होनी है और परिवहन निगम की आमदनी को और कैसे बढ़ाया जाए, डीजल की खपत को और कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे डीजल औसत को सुधारा जाए और साथ ही साथ यात्री जनता को और कैसे अधिक सुविधा हम प्रदान कर सकें, इन सारे विषयों पर आज चर्चा होनी है। जहाँ तक परिवहन निगम की समस्याएँ हैं उसमें मुख्य रूप से इस वक्त आवश्यकता है रूट्स के नेशनलाइजेशन की। इस प्रदेश में 7% से भी कम राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, जबकि देश के तमाम अन्य प्रदेशों में 100% तक नेशनलाइजेशन है। तो पहली बात तो यहाँ हमारी मांग है कि जितने एक्सप्रेसवेज, हाईवेज बन चुके हैं या बन रहे हैं उनका नेशनलाइजेशन हो और प्रथम चरण में कम 25% प्रदेश की पक्की सड़कें नेशनलाइज होनी चाहिए। साथ ही साथ यात्री कर की जो दरें हैं, जिसको एडिशनल टैक्स कहते हैं, जो सरकार को परिवहन निगम देता है, उनमें हमारे दर में और जो निजी क्षेत्र की बसें हैं उनके रेट्स में बहुत अंतर है। उनका 150 रुपया पर सीट पर मंथ है, हमारा नई गाड़ी का 600 रुपया पर सीट पर मंथ है। तो ये डिफरेंस जो है ये ख़त्म होना चाहिए, जिससे कि हम अपने फेयर को भी नियंत्रित कर सकें और साथ ही साथ यात्री जनता को भी उसका लाभ मिल सके। तो ये मुख्य मामले हैं और इसके अलावा जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं भी less than 7%, उन पर अनऑथराइज फ्लाइंग बहुत है, डग्गा मार वाहनें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, अब तो इंटर स्टेटल सर्विसेज चल रही हैं, तो उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये तो निगम की समस्याएँ हैं, इन पर चर्चा होगी और साथ ही साथ कर्मचारियों को आज की तारीख में राज्य कर्मचारियों से 18% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि मेहनत जो है मैं समझता हूँ कि पुलिस विभाग के पश्चात सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किसी क्षेत्र के कर्मचारी करते हैं किसी विभाग के, तो वो परिवहन निगम के हैं, लेकिन उनको 18% कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। यहाँ तक कि 10% महंगाई भत्ता जो एम्पावर्ड कमेटी ने अप्रूव कर दिया है उसका भी शासनादेश नहीं जारी हो पा रहा है। मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही, जिन कर्मचारियों ने पिछले दिनों इतिहास बनाया परिवहन निगम ने कि 42 लाख प्रवासी मजदूरों को कोविड काल में उनके घरों तक पहुंचाया, 10 लाख छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवहन निगम और उसके कर्मचारियों को संकट का साथी कहा, वहाँ पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जो कोविड काल में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके भी आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। 2001 तक के संविदा चालकों परिचालकों का नियमितीकरण नहीं हो रहा, जबकि 24 फरवरी 2016 को सरकार शासनादेश कर चुकी है, 8 साल पूरे होने को हैं लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा और ना जो शेष बचते हैं उनके नियमितीकरण की कोई चरणबद्ध योजना ये बना रहे हैं। तो ये कर्मचारियों की समस्याएँ, आउटसोर्स कर्मचारियों का बहुत मिनिमम उनको पारिश्रमिक दिया जा रहा है, उनसे लिए जा रहे काम के परिपेक्ष और साथ ही साथ बाजार महंगाई के आलोक में, तो ये सारी कर्मचारियों की समस्याएं हैं, इनका निराकरण होना चाहिए। इन सारे विषयों पर आज चर्चा होगी और एक प्रस्ताव पारित करके
माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सारे सरकार के अन्य मंत्रीगणों को, संबंधित विभागों के, साथ ही साथ टॉप ब्यूरोक्रेट्स को जो उच्च अधिकारी हैं शासन के और निगम के, उनको भेजा जाएगा और उनसे ये मांग की जाएगी कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हम कर्मचारियों को ये संकल्प भी आज दिलाएंगे कि वो डीजल औसत में सुधार करें और कोई भी यात्री वो उनसे सड़क पर न छूटने पाए, वो अधिक से अधिक आमदनी लाने का प्रयास करें। इन सारी बातों पर आज चर्चा होगी।